दोस्तों आज हम बात करेंगे गेहूं की। ये गेहूं आज से करीब 35 से 40 दिन पहले बोई थी और साथ ही का खेत है, देखिए इसमें पानी भी लग चुका है और इसमें पानी नहीं लगा अभी। तो दोनों खेतों की अगर गेहूं की बात करें टिलरिंग की, तो देखिए इसमें करीब 4 से 5 कल्ले दे रखे हैं, और वहीं अगर इधर की बात करें जिसमें पानी लगा हुआ है, और इसमें देखिए आप कि कितना डिफरेंस है। ये देखिए, दोनों में डिफरेंस जो है काफ़ी है। गेहूं में अभी पानी लगने वाला है और आज 35-40 दिन की गेहूं हो चुकी है, और इसमें अभी ये वैरायटी जो है 2968 है और वो भी 2968 है। दोनों की सेम वैरायटी है और एक ही दिन की बोई हुई है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है आप देखिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है टिलरिंग में कोई फ़र्क नहीं है, और लोग कहते हैं 21 दिन में पानी लग जाना चाहिए, उसके बाद पानी जो है लेट हो जाता है, तो कोई फ़र्क दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बल्कि सेम और बिना पानी लगे हुए की टिलरिंग ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा मेरे को भी ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।